वेलकम इन आवर चैनल मार्केट न्यूज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए शेयर के साथ जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और जिसका प्राइस में अभी मूवमेंट भी आने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही नई नई अपॉर्चुनिटी के साथ मैं एक नए नए शेयर्स लेकर आता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा कर सकता है या अभी अच्छा कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी और वीडियो को मिस नहीं कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, इस शेयर का नाम है वक्रांजी लिमिटेड। आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद से कहेंगे कि हाँ, ये शेयर मुझे होल्ड ही करना है, बेचना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल आपको खुद में बताएगा और इसके पार्टनर्स कि इस शेयर में कितना दम है और आगे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। दोस्तों देखिए, आज का इसका जो क्लोजिंग था वो 43.15 पे है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका 2 ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। 2 ईयर का लो 17.15, 17.15 रुपये रहा है, जो कि 7 अप्रैल 2020 को गया था, और 2 ईयर का हाई 69.85 रहा है, जो कि 31 दिसंबर 2020 में ही लगा कर आया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अभी अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक अच्छे खासे देख सकते हैं। जब मैं आगे बताऊंगा कि वहाँ पे RSI इसका पॉजिटिव आ चुका है, अपने मूविंग एक्सपोनेंशियल जो होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके भी ऊपर आ चुका है, इसके लिए यहाँ पे ख़रीदना एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, डिलीवरी में अगर बात करेंगे, डिलीवरी क्वांटिटी इसलिए देखना ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हमें ये आइडिया लगता है कि आखिर लोगों को भरोसा कितना है इस पर, कितने लोग इसको अपने घर ले जा रहे हैं कि नहीं, ये शेयर अच्छा है, मैं इसको घर लेकर जाऊँगा, इसमें आगे और भी ग्रोथ होगा। यहाँ देख सकते हैं 47%, 50% ऐसे है, और 6 सितंबर को देखिए वॉल्यूम कितना जाए, उसके बावजूद भी 31.2% का डिलीवरी हुआ है। तो यानी इसमें जो भी 30% ऊपर डिलीवरी होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, अगर 40% से ऊपर है तो और भी अच्छा है। आप देख सकते हैं 2 दिनों से इसमें 50% और 47.3% का डिलीवरी हो रहा है, यानी कुछ बड़ा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर चलिए अपडेट्स में ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर जो रिन्यू किया था अपना एग्रीमेंट इन्होंने, वो 2 सितंबर को यहाँ पर उसके बारे में बताया था। चलिए टेक्निकल्स में देखते हैं। टेक्निकल्स में यहाँ पे इंडिकेटर्स देख सकते हैं, RSI न्यूट्रल दिखा रहा है, यहाँ ओवरबाउट है, यहाँ पे एक ही चीज़ है MACD, जो मूविंग एवरेजेस की मैं बात कर रहा था, क्रॉसओवर डाइवर्जेंस जो होता है उसके हिसाब से देखिए तो वो पॉजिटिव है, यहाँ रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, बाकी यहाँ जो RSI है वो आपको निगेटिव दिखेगा क्योंकि कंपनी थोड़े मतलब यहाँ इसका जो शेयर है वो थोड़े इनसे कंसोलिडेट किया है और थोड़े दबाव में रहा, जो ऊपर से थोड़ा नीचे करेक्ट हुआ है इसके कारण से। यहाँ देख सकते हैं लेवल्स पे, मैं लेवल्स में ये बात कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने इसको EMA में करके रखा है, यहाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। तो यहाँ देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 5 डे, यहाँ 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43.04 रहा है, जबकि 100 डे का 100 डेमा में आप देखेंगे यहाँ 42.50 है, इन दोनों से ये ऊपर है, जो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस रहा है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके ऊपर एक अच्छा मूवमेंट आपको दिख सकता है, यहाँ देख सकते हैं परफॉर्मेंस में तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 मंथ का रिटर्न प्लस 12.53, 1 ईयर का रिटर्न प्लस 61.61 है, 2 ईयर का रिटर्न 31.16 है। तो ये तो रिटर्न की बात हो गई, आगे देख सकते हैं फंडामेंटल्स कंपनी का कैसा है। तो यहाँ देखिए इसका मार्केट कैप 4581.93 करोड़ है, जो कि प्राइस PE देखिए जो बोलते हैं PE रेशियो 73.51 है, बुक वैल्यू इसका 24.84 है, डिविडेंट यील्ड भी 0.23 है। डिविडेंट अगर यील्ड कोई कंपनी दे रही है इसका मतलब वो प्रॉफिट में है, तभी वो डिविडेंट दे रही है, इसलिए डिविडेंट यील्ड भी हम देख सकते हैं, उसके आधार पर भी हम किसी शेयर को जज कर सकते हैं कि हाँ ये क्या है कंपनी, अगर प्रॉफिटेबल है तो क्या डिविडेंट दे रही है, अगर दे रही है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ रिजल्ट में देखेंगे पिछले 9 क्वार्टर के रिजल्ट, तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ 23.33, और देख सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको दिखेगा। पहले इस पे कर्जे भी बहुत, लेकिन सारे कर्ज जो है इसने हटा दिया है, अभी कोई भी कर्ज इसके ऊपर नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ देख सकते 2019, 2020, 2021 पेंडेमिक के बावजूद इसका ग्रोथ कंसिस्टेंट है और एक सही दिशा में जा रहा है। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग यहाँ देख सकते हैं जो पैटर्न है पहले उस पर दिखते हैं। यहाँ देखिए प्रोमोटर 42.6% प्रोमोटर ने होल्ड करके रखा है, यहाँ पब्लिक में देखें तो 57.4 ही है,
FII और FPI ने भी 9.71% का होल्डिंग रखा है, DII ने भी 6.36% का होल्डिंग रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर FPI, FII और DII ने भी अपना होल्डिंग इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है, ओनली 57.4% ही पब्लिक का है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जाके कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए प्रोमोटर ग्रुप का शेयर होल्डिंग में यहाँ वैकरंजी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसने खुद 23.69 रखा है। NJD कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड 12.37 रखा है। दिनेश नंदवाना है वो 6.52 रखा है। दिनेश नंदवाना का HUF उन्होंने 0.02% रखा है। यहाँ पब्लिक शेयर होल्डिंग भी देखिए, यहाँ पब्लिक शेयर होल्डिंग भी अगर हम देखेंगे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC जो है वो भी 6.22% होल्ड करके रखी है। यहाँ पब्लिक में देखेंगे, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में यहाँ भी देखिए L7 हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसने 3.17 रखा है। IEPF जो कि अच्छी मानी जाती है वो भी 0.21 है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो होल्डिंग जो है ना बहुत ही अच्छा करके रखा है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम यहाँ डील्स में भी जाकर देखेंगे, डील्स में तो बल्क डील जो है बहुत पुराना, यहाँ पे इनसाइडर डील देखिए। इनसाइडर डील जब चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्च के महीने में भी यानी उस क्वार्टर में भी हरिचंद मित्तल साहब ने 30,000 मार्केट से परचेज किए थे इसके शेयर, और अभी देख सकते हैं अगस्त के महीने में भी 30,000 मार्केट से जो बाई की है शेयर, वो 10 से 13 अगस्त के बीच में। तो ये भी अपना होल्डिंग बढ़ा है, जो भी बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इसमें, क्योंकि उनको दिख रहा है आगे वाले फ्यूचर में इस कंपनी के कितना ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। आइए देखते हैं तो इसका बिजनेस मॉडल ऐसा क्या है कि लोग इसको बाई कर रहे हैं, और ये ऊपर से कर्ज मुक्त कंपनी, ये इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, और आगे इससे 10 गुना भी हो सकता है। चलिए इसके बिजनेस मॉडल पर देखते हैं। तो एक मैंने PDF कहीं से डाउनलोड किया है जो कि इसके बारे में पूरा ओवरव्यू है कंपनी से, यहाँ पूरा ओवरव्यू बताया गया, देख सकते हैं। वाकरांजी का द असिस्टेड डिजिटल कन्वीनियंस स्टोर, यानी एक ऐसे स्टोर के बारे में ये प्लान कर रही है जो ये डिफरेंट जगह पर खोलना चाहती है और सारे कस्टमर को एक साथ जोड़ना चाहती है। यहाँ देखिए कंपनी का ओवरव्यू वहाँ बताया गया, देखिए नेक्स्ट जनरेशन वाकरांजी केंद्र स्कोप ऑफ सर्विसेज, यहाँ देखिए क्या क्या करना चाहती है इसमें। तो यह ATM बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, उसमें क्या करेगी असिस्टेड ई कॉमर्स यानी असिस्टेड ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑनलाइन फार्मेसी, यानी जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो तो वहाँ कर ही सकते हैं, जो ऑनलाइन फार्मेसी से जो मंगाते हैं वो भी वहाँ पे उपलब्ध होगा। बिल पेमेंट्स एंड रिचार्ज, वहाँ से आप अलग अलग बिल पेमेंट भी कर सकते हैं और अलग अलग रिचार्ज भी कर सकते हैं। और टेली मेडिसिन कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स, यानी जो जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उससे आप सीधा सीधा वहाँ उसके थ्रू आप बात भी कर सकते हैं। यानी एक तरह से बोला जाए तो वाकरांजी केम्स ऑफर ए बोर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स टू ऑफर ए वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन फॉर इट्स कस्टमर्स, यानी एक जगह पर आकर आप अलग अलग जो भी शॉप्स है वो एक बार में ही कर सकते हैं, इसलिए उनका वाकरांजी केंद्र अलग अलग जगहों पर खोल रही है, जो कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रोथ का चांसेस यहाँ पर चांसेस है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जेन वाकरांजी केंद्र स्कोप ऑफ सर्विसेज, यहाँ देख सकते हैं ATM के लिए इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, RBI खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने वाइट लेवल ATM का लाइसेंस ले रखा है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने टाइप किया है, पार्टनरशिप किया हुआ है। यहाँ देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इन्होंने आदित्य बिरला, AB कैपिटल से, ECO से, शुभम से, लैंडिंग कार्ड से और इंडिया शेल्टर होम लोन से किया है। इंश्योरेंस के लिए आप जानते हैं इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के साथ, टाटा के साथ, केयर HDFC लाइफ के साथ, HDFC एर्गो के साथ, AB कैपिटल के साथ, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आप देख सकते हैं सिग्ना, यानी मतलब जितने भी बड़े बड़े नाम हैं इनके साथ इनका इंश्योरेंस में पार्टनरशिप है। यहाँ बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग में खुद SBM बैंक है, यूनियन बैंक है, यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, NSDL पेमेंट्स बैंक, NSDL खुद देख सकते हैं आप, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक भी है, इंडियन बैंक भी है, BOI है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, यानी जितना मतलब बड़े अच्छे बैंक्स हैं उनके साथ भी इनका पार्टनरशिप है। अब देखिए इन्होंने ऐसा क्या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसके साथ है, देखिए असिस्टेड ई कॉमर्स सर्विसेज में देखिए अमेज़न के साथ ऑनलाइन में है, यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में और कि एगोमेंट क्या करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ गुड्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए अगोमेंट के साथ है।
यहाँ असिस्टेड टोटल हेल्थ केयर यानी वी हेल्थ केयर नेटमेट्स के साथ रिचार्ज के लिए भारत बिल जियो साइबर प्लेटफॉर्म के साथ है। और यहाँ असिस्टेड ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज, अगर ट्रैवल के लिए आपको किसके साथ, तो वहाँ पे IRCTC के साथ इसका पार्टनरशिप है, रेडबस के साथ है, यात्रा के साथ, मतलब देख सकते हैं इन्होंने सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के जगह एक जगह आकर आप सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी एडू अक्षम के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है, और भी अलग अलग जो क्षेत्र हो सकता है उसके लिए भी इसमें ऐड करने वाले हैं। यूनिक फीचर्स ऑफ असिस्टेड ई कॉमर्स मॉडल, यानी इनका मॉडल क्या है, देखिए ऑन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ईमेल ई मॉल, मतलब एक जैसे मॉल होता है जिसमें आप जाकर सारी चीज़ें खरीदारी कर सकते हो, उसी तरह ये एक ऐसा वर्ल्ड बिगेस्ट ई मॉल बनाना चाहते हैं जहाँ मोर देन 6 करोड़ प्लस प्रोडक्ट्स होंगे। कंप्लीट हेल्थ केयर पैकेज होगा, जीरो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, मोनोपोलिस्टिक ऑफरिंग ऑफ मार्केट प्लेस एंड असिस्टेड हेल्थ केयर होगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, जीरो इन्वेंट्री मॉडल भी होगा, यानी पोटेंशियल अर्निंग ऑफ RS 1 लाख पर मंथ, यहाँ से आप जो भी इनसे जुड़ेंगे उनका 1 लाख प्लस पर मंथ अर्निंग हो सकता है। यानी देखिए ई कॉमर्स मार्केटिंग इनिशिएटिव ले रहे हैं, फॉर्मेट्स ऑफ नेक्स्ट जो केंद्र है नेक्स्ट जनरेशन का, वहाँ पे ये गोल्ड केंद्र, सिल्वर केंद्र, ब्रॉन्ज केंद्र, डिफरेंस फाइनेंशियल के आधार पर रख रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया रखा है कि गोल्ड केंद्र कहाँ होगा, सिल्वर केंद्र अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केटिंग ऑल दैट एंड द एरिया, इसके आधार पर इन्होंने उसको डिसाइड कर रखा है। यहाँ पर देखिए की फीचर्स इन्होंने बताया, इसमें की फीचर्स क्या क्या है उसके लिए, तो स्टोर एक्सक्लूसिविटी एंड कंसिस्टेंट ब्रांडिंग है, ATM आउटलेट है, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, पिन पैड डिवाइसेस है। यहाँ देखिए इसके बारे में इन्होंने पूरा अच्छे से बताया है कि कहाँ कहाँ ये ओपन कर रहा है, पॉपुलेशन 1.35 बिलियन है, उनके लिए पूरा प्लान कर लिया है कि आगे का हमें किस तरह से एक एक पॉपुलेशन के जो पीपल है एक एक वहाँ तक पहुँचना है। यहाँ देखिए टाई अप विथ स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स एंड एक्सेस टू की लाइसेंसेस, यहाँ पर अलग अलग जो भी देख सकते अपने क्षेत्र के सभी स्ट्रॉन्ग के साथ पार्टनरशिप कर रखा है इन्होंने। स्टोर इकोनॉमिक्स ऑफ ए नेक्स्ट जेन केंद्र, वहाँ पे अलग अलग जो एवरेज रिवेन्यू का कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया है कि कैसे उसमें होगा। अगर मैं इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको स्किप करते हैं, आगे और भी जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर देखते हैं। आवर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं जिसमें बैंकर और बैंकिंग सर्वर से ये डायरेक्ट वहाँ पे से जो भी मनी ट्रांसफर होगा उसके लिए वहाँ पे भी पार्टनरशिप कर रखा है। फ्रेंचाइज फोकस टीम स्ट्रक्चर, अलग अलग फ्रेंचाइज के साथ भी मिल रहे हैं। वाइट लेवल ATM अपॉर्चुनिटी जो क्या है, वहाँ पर इनको एक फ़ायदा यहाँ पे भी मिलेगा कि रेंट जो वो नहीं लगेगा, कैश मैनेजमेंट चार्ज लगेगा वो नहीं लगेगा, सिक्योरिटी गार्ड का कोई चार्ज नहीं है, तो ये इनको एक अलग से बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ई मॉल है इसके कारण से। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और भी क्या प्लस पॉइंट्स है और बिजनेस में और क्या क्या करने वाले हैं। लॉन्च ऑफ मोबाइल सुपर ऐप अपडेट, ये एक इनके लिए बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। लॉन्च ऑफ मोबाइल सुपर ऐप जो अपडेट करने वाले हैं, इन्होंने आगे का ना पूरा अपना ओवरव्यू इस PDF में बताया हुआ है। कंपनी इज नाउ लॉन्चिंग एन ऑल इन वन भारत इजी मोबाइल सुपर ऐप बेस्ड बिजनेस प्लेटफॉर्म, यानी बीटा ट्रायल वर्जन हैड बीन लॉन्च, मतलब जो भी बीटा ट्रायल जो है वो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। बिजनेस मॉडल जो है आवर यूनिक ऑफरिंग, यहाँ पे देखिए यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जिसके कारण कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा वहाँ पे देख सकते, कोई ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे विजुअली जाकर देखो, वहाँ पे आप ई मॉल पे देख सकते आराम से। इनका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे अभी के नेटवर्क के बारे में भी बताया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत सुपर ऐप में क्या होगा, तो इंक्रीमेंटल वैल्यू एडेड होगा बिजनेस प्लेटफॉर्म पे। वहाँ आप देख सकते हैं कि फोकस ऑन ईज कन्वीनियंस एंड ट्रस्ट, वहाँ पे एक अच्छा ट्रस्ट होगा क्योंकि वैक्रांत जी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है। यहाँ देख सकते अपडेट ऑन सस्टेनेबिलिटी ESG इनिशिएटिव्स, यहाँ पे क्या होगा कि एक उनका इम्पैक्ट आएगा, सस्टेनेबल होगा। इसके लिए वक्रांजी लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड एज सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वहाँ पे बीइंग UNGC सिग्नेटरी मेंबर बन चुके हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस पे भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने फाइनेंशियल में भी दिखाया और इनके मार्केटिंग में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया है।
नेक्स्ट जनरेशन बैकरेंजी के सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि अलग अलग बिजनेस मॉडल में अलग से PDF भी दे रखा है। डिस्पाइट COVID-19 सिचुएशन पेंडेमिक, इन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया इसको और इनके प्रॉफिट में गिरावट तो आई नहीं है। मतलब जो भी उल्टा इन्होंने का बिजनेस मॉडल जैसा इन्होंने प्लान किया था उसी के आधार पर थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रॉफिट में ही रहा। तो देख सकते हैं अपडेट ऑन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इसमें क्या है कि अलग अलग रिवार्ड्स इनको मिला है कि बिजनेस मॉडल के आधार पर और अलग अलग जिन्होंने परफॉर्मेंस किया उसके आधार पर भी भारत सरकार की ओर से भी मिली है। रिजल्ट परफॉर्मेंस अपडेट देख सकते हैं कि इनका रिजल्ट कितना शानदार है 2021 में और 2021-22 में। यहाँ देख सकते हैं 678 था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में और यहाँ 127% का उछाल है। यहाँ एबिटा में देख सकते हैं, एबिटा में भी 204 था, यहाँ पे 67% के उछाल के साथ इस बार 340 रहा है। यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देख सकते हैं 96% का उछाल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखेंगे इस क्वार्टर के लिए QOQ बेसिस में भी अगर कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ देखिए रिवेन्यू में 51% का उछाल है, एबिटा में 14% का उछाल है और यहाँ देख सकते हैं 12% का उछाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी, यानी QOQ में भी ये देख सकते हैं और आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देख सकते हैं। देख सकते हैं कैसे ऊपर की तरफ एक बहुत ही इंक्लिनेशन लाइन है जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए और उसके शेयर होल्डर्स के लिए। यहाँ देखिए परफॉर्मेंस आउटलुक अपडेट, यहाँ पे कैसा इन्होंने बताया कि आउटलुक हमारा कैसा आगे चलकर, यहाँ सेल्स रिवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत ही पॉजिटिव बता रहा है, आगे का भी बहुत ही पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ इन्होंने कारण भी बताया कि वेल पॉइंट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑपरेशनल ग्रोथ है, यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज जो हो रहा है टू रिजल्ट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये सब कारण सस्टेनेबल इंक्रीज इन ट्रस्ट एंड अवेयरनेस, इन्हांस विजिबिलिटी एंड ब्रांड अवेयरनेस ड्यूरिंग नेशन वाइड लॉकडाउन। जब भी लॉकडाउन लगा तो उन्हें लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चला, उनको पास टाइम मिला इन सब चीज़ों को रिसर्च करने के लिए, इनके कारण इनके प्रॉफिट में और भी ग्रोथ आया और इन पर ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन वैल्यू जो वैक्रांजी पे अभी 107 बिलियन का हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए आगे इन्होंने अपना अलग परफॉर्मेंस से जो बताया है कि ई कॉमर्स इनका कितना आया है थ्रू आउट, जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें मिलियन में इन्होंने बताया 1349 का ई कॉमर्स से, ATM से 25280 मिलियन का और BFSI से 8370 मिलियन का वहाँ कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पे इन्होंने कंसोलिडेटेड भी बताया जो मैं ऊपर तो दिखा ही चुका हूँ ग्राफिकल फॉर्म में, वो नेटवर्थ यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकुलर जो मिलियन में था वो यहाँ पे 1920 में 26373 था, यहाँ पे 26640 रहा है जो कि बहुत ही यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख सकते हैं नीचे, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया है और यहाँ केंद्र का जो एवोल्यूशन है किस तरह करेंगे उसके बारे में बताया। तो ये PDF यहाँ पे इन्होंने समाप्त कर दिया, इसके बारे में दिखाते हुए कि केंद्र का जो एवोल्यूशन किस तरह करेंगे। यहाँ फेज वन में क्या करेंगे, CSC एंड ई मित्र मॉडल बताया है, फेज टू में बैंकिंग एंड पॉइंट मॉडल करेंगे, फेज थ्री में मल्टी स्पेशलिटी स्टोर मॉडल और फेज फोर में नेक्स्ट जन केंद्र मॉडल डिजिटल कन्वीनियंस स्टोर। तो यहाँ अपने आगे का इन्होंने पूरा जो आगे प्लान कर रहे जिसको बोलते हैं रोड मैप, उस तरह से इन्होंने पूरा करके रखा है और पूरा प्लान्ड है और उसके आधार पर पूरा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ प्लान किया है, आप पीछे का भी पिछले साल का जो भी PDF देखेंगे उसमें इन्होंने प्लान करके बताया था और बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एक अलग टाइप का कंसेप्ट और बहुत ही अच्छी चीज़ ई मॉल का लेकर आ रहे हैं, उस पर इनको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ रही है, ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है और इसलिए मैं इस पर बहुत बुलिश हूँ। अगर आपने अब तक इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये शेयर आगे चलकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई अपॉर्चुनिटी के साथ। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप वीडियो मिस नहीं करें।